हाय गाइस, स्वागत करती हूँ मैं अपना अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? दुर्गा नवरात्र का मेकअप बताऊंगी बंगाली स्टाइल में, आप कैसे कर सकते हैं और अपने ही घर में रहे हुए प्रोडक्ट से। मैं तो स्टार्ट करेंगे आप हम। आईज मेकअप के लिए मैं नॉर्मल मेकअप बताऊंगी बिल्कुल, जो कि आपके पास घर में सारा सामान होगा आप कर सकती हैं। आईज फिंगर से ही करूंगी मैं ज़्यादातर, ताकि आप नॉर्मली घर में कर सकें, क्योंकि नवरात्र की के लिए कोई ये नहीं है कि बाहर से सामान ज़्यादा परचेज करके लाए। हल्का हल्का कंसीलर इधर भी लगा लूँगी मैं, ये सब बाद में, बस आईज का करूँगी अभी। ये ADS का है, आप देख सकते हो नॉर्मल है बिल्कुल। कंसीलर कर लिया मैंने, अब काजल लगा लूँगी अपने आईज में इस तरीके से। इसके बाद मैं ये पेंसिल ले रही हूँ, आपको बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल मेकअप बताऊँगी जिसे आप इजीली कर सकोगे। ये पेंसिल है 7 Heavens की पेंसिल है ये, इसे हम हाफ आईज में करेंगे। ये थोड़ी सी क्रीमी है मैं इसीलिए लगा रही हूँ, मैं इसके ऊपर डार्क कलर लगाऊँगी पाउडर का। आप नॉर्मल कर रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। ये शेड आएगा हमारा इसका, और इतनी ही एरिया में करेंगे। आप बहुत जल्दी अपना मेकअप कर सकते हैं इससे घर में तरीके से। तो उसकी पैलेट किट मैंने अपनी दिखाई थी आपको, इसका मैं ये ग्रीन शेड यूज़ करूँगी हल्का सा। इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद ये ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे हम अपना, सारे ब्रश मैं लैकेट के यूज़ कर रही हूँ, और ये वाला शेड आप देख सकते हो हल्का सा गोल्डन शेड है ये। अपने इस वाले एरिया पे ब्लेंडिंग करेंगे हम, ताकि ये एरिया भी हमारा खाली ना रहे। हल्का सा कॉर्नर एरिया तक आएंगे और आप देखोगे कि कितना सिंपल और अच्छा लगेगा। इसके साथ मिक्स कर देंगे बीच में से ब्लेंड करते हुए इस तरीके से। यहाँ से ब्लेंडिंग हो जाएगी हमारी। इसके बाद हाईलाइट एरिया पे मैं गोल्डन कलर ही ले रही हूँ ये वाला। ये देख सकते हो एक ही बार में तीनों चीज़ हो गई है हमारी कवर। इसके बाद हम आईब्रोज फिल करेंगे, आप पेंसिल से भी कर सकते हो और मैट लाइनर है उससे भी कर सकते हो। बैक से डार्क रखेंगे, इस तरीके से करेंगे। आप अपनी आईब्रोज को कैसी भी शेप दे सकते हो। 7 Heavens का मैट लाइनर है ये, इसमें जेल लाइनर भी होता है मैट लाइनर भी होता है। मैं अभी आपको दोनों चेक दिखा दूंगी। मेरी आईब्रो वैसे भी देख सकते हो आप बहुत लाइट है, इस तरीके से कर लेंगे। और जो मैंने काजल, आपने देखा होगा कि मैंने आईज में पहले काजल लगा लिया है। ये 7 Heavens का जेल लाइनर है, इसमें ऊपर मैट लाइनर है और नीचे जेल लाइनर है। ये जेल लाइनर है, ग्रीन शेड लेंगे और काजल पहले ही लगा लेंगे ताकि आपको कुछ डिफरेंट करना है। तो इस पे हमने ग्रीन शेड किया है आईज को डिफरेंट लुक देने के लिए, ये वाला ग्रीन शेड। ये कुडोज की पैलेट है, आप किसी का भी ग्रीन शेड ले सकते हो, नॉर्मल पैलेट ले सकते हो। और ये हम आईज में थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पर मैं अपने ब्लैक काजल पर ही ग्रीन का टच दूँगी। बैक से हल्का सा ग्रीन आ जाएगा, दोनों साइड करेंगे। और आप अगर ब्लैक नहीं लगाना चाहते हैं तो खाली ग्रीन लगा सकते हो, उससे और अच्छा लगेगा। लिक्विड लाइनर लगाना चाहते हैं तो लिक्विड लगा सकते हैं, पेंसिल में लगाना चाहते हैं तो पेंसिल लगा सकते हैं, और मैंने आई शेडो से मैट लाइनर लगाना बताया था वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ से लाइनर आपको मोटा लगाना है, पतला लगाना है, नवरात्र में घर में कैसा भी आप लगा सकते हो। फ्रंट से शुरू करेंगे, आप अगर मोटा लगाना चाहते हैं तो मोटा भी लगा सकते हैं। विंग्स निकालना चाहते हैं तो विंग्स भी निकाल सकते हैं आप। मस्कारा लगाएंगे, कुडोज का है।
लाइनर के बाद हम फेस पे जाएंगे, आईज़ के पास जो भी डस्ट गिर गया, आई शेडो पहले करने से ही फ़ायदा होता है कि जो भी हमारे डस्ट वगैरह या आई शेडो या कुछ भी लग जाता है हमारी स्किन पे तो हम क्लियर कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र में भी मॉइस्चराइज़र आयुर का लगा रही हूँ मैं अभी, और आपके पास अगर जॉनसन बेबी क्रीम है तो मॉइस्चराइज़र की जगह वो भी यूज़ कर सकते हो। हल्का सा अपने फेस पर लगाएंगे, और मैंने स्किन को पहले क्लीन कर रखा था तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। और प्राइमर के लिए अगर आपको समझते हैं कि आपको ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, जिनके ओपन पोज होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के बाद मैं बीबी पॉन्ड्स लूँगी, क्योंकि ये सबके पास होती है, घर में नॉर्मली मेकअप करना सबके पास रहती है। अगर आपके पास फाउंडेशन है तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अपने फिंगर पर इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से लगाएंगे, अपने नेक एरिया पे भी कवर करेंगे और अपने कान भी पूरा कवर करेंगे, और अपनी फिंगर से ही अच्छे से फैला लेंगे। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो ब्यूटी ब्लेंडर से फैला लेंगे, वरना आप अपनी हाथ यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए अब हम देखेंगे कि आपको कन्फ्यूज़न रहती है, जैसे जिन्होंने बेसिक भी नहीं सीखा होता उन्हें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कंसीलर क्या है और कंसीलर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्टोर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोफेशनल मेकअप में यूज़ होते हैं। अगर आपको कंसीलर नहीं करना है या कंसीलर आपके पास नहीं है, ये कंसीलर है ये हम इन एरिया पर यूज़ करते हैं अपने डार्क एरिया को छिपाने के लिए और हाइडनिंग बाहर उभारने के लिए इनको। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो मैंने आपको पहले बताया है, तो आप बीबी पॉन्ड्स का ही डबल कोट लेंगे इस तरीके से, और इसी को अपने इस एरिया पे लेके जाएंगे वापस इस तरीके से। क्योंकि हमें एक कंसीलर जब हम यूज़ करते हैं, हम अपने मेकअप में भी ये बताते हैं कि अपने स्किन बेस से एक टोन ऊपर होना चाहिए, तो जब हम इसको डबल बार यूज़ करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा एक टोन ऊपर ही हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली घर में तो कोई कंसीलर और कॉन्टूरिंग करेगा नहीं। इस तरीके से लगा लेंगे डबल, ये देख सकते हो बाहर उभर के आ जाएगा आपका ये हिस्सा, और जहाँ आपका डार्क एरिया है वहाँ पर भी आप डबल फाउंडेशन यूज़ कर लेंगे। डबल मतलब दो कोट, जैसे हमारा बेस फेस पे सिंगल कोट है तो आप दो कोट कर लेंगे। उस फाउंडेशन ग्रे हो जाता है या काला पड़ जाता है। फाउंडेशन लगाने के बाद आप अच्छे से मेकअप को सेट करेंगे। पाउडर ले रही हूँ, लैक्मे का है, इस तरीके से लेंगे अपने स्पॉन में और मेकअप को बिल्कुल सेट करेंगे आप अच्छे से। जब तक आपका मेकअप सेट नहीं होगा तो ये एक डेढ़ घंटे बाद ब्लैक खुद ब खुद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट करें, अपने लिप एरिया को भी कवर कर लेंगे आप, क्योंकि जो भी हमें शेप देनी होती है लिप की तो इसके ऊपर दे सकते हैं हम। तो बीबी पॉन्ड्स लगाई थी और उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाया, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी कॉम्पैक्ट के बाद तो ये थोड़ी देर में ग्रे जरूर होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि अपना कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और उससे अच्छे से थोड़ा सा मेकअप को सेट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे अच्छे से स्किन में सेट हो जाता है मेकअप, वरना आप खुद देखेंगे थोड़ी देर बाद जो ऊपर ऊपर रहेगा वो थोड़ी देर बाद ही ग्रे टोन में आ जाएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाएँ, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए, इससे काफ़ी देर आपका मेकअप टिका रहेगा पूरा सेट करने के बाद। और चाहें तो अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो आप इस पर पानी स्प्रे करके भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा होता है वो भी हमारा हट जाता है और पूरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद कॉन्टूर का आप हटा सकते हैं, क्योंकि हम डेली में तो कॉन्टूर करेंगे नहीं। तो और अगर आप कॉन्टूर की शेप देना चाहते हैं, जैसे मेरा हैवी फेस है तो आप क्या करेंगे, ये ब्राउन कलर का ब्लशर है, कलर एसेंस का है, ये ब्रश की शेप को ये देख सकते हो, हल्का सा नेचुरल शेप ऐसे दे सकते हो आप। कॉन्टूर से क्या होता है, हमारे फेस को एक शेप मिल जाती है, ज़्यादा हैवी नहीं लगता है मैं, बट ज़्यादा नहीं करूँगी, नॉर्मली करूँगी, वो भी आपको बताने के लिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। नोज़ को भी हम अवॉइड कर देंगे, वरना नोज़ पे भी हम हल्की सी ब्रश से यहाँ से दे सकते हैं इस तरीके से। पतला ब्रश होना चाहिए बट हमारा, तो उससे नोज़ भी बहुत अच्छा देखा होगा आपने मेरी वीडियो में, ब्राइडल में
कितना फ़र्क आ जाता है कॉन्ट्यूर्स के बाद, तो नॉर्मल मेकअप में नहीं कर सकते. और कॉन्ट्यूर करना इसीलिए ज़रूर होता है कि अपन अपने फेस की शेप को अच्छे से करेक्ट कर सकें. एमलिन का ब्लशर है ये, इसमें शेड दे सकते हो, मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है. बिल्कुल लाइट शेड है जो नॉर्मल से हमें अच्छे भी लगते हैं और ज़्यादा डार्क भी ना हो, तो हम इस शेप में ही देंगे बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर. कॉन्ट्यूर से ऊपर ब्लशर एरिया है हमारा. अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आपके पास जो आई शेडो का गोल्डन शेड है, मैं सारी चीज़ें ऐसी बताती हूँ कि आपको ज़्यादा ये ना हो कि हाइलाइटर क्या है या मुझे परचेज करना पड़ेगा. आपके पास आई शेडो में अगर ऐसा शेड है तो आप वो भी हाइलाइटर में यूज़ कर सकते हो. ये देखो, आज मैं ब्रश से नहीं करके दिखाऊंगी, अपनी फिंगर से ही यूज़ करके दिखाऊंगी. इस तरीके से ये हमारा इस एरिया में आ जाएगा. तो आप अपना आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हो, अपने नोज़ एरिया पर भी यूज़ कर सकते हो, इससे हमारे नोज़ में शाइन आ जाएगी. चिन एरिया पे, अपर लिप एरिया पे, मैं आपको फिंगर से यूज़ करना बता रही हूँ ताकि आप इजीली यूज़ कर सकें. ब्रश से करना है तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं आप. अपने आई शेडो में से गोल्डन और सिल्वर शेड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा हाइलाइटर का काम करते हैं, ज़्यादा शाइनिंग भी नहीं होती उनके अंदर. हमें प्रोफेशनल मेकअप करने होते हैं तो ज़्यादा शाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वरना नॉर्मल में चल जाता है. मैंने बड़ी बिंदी लगाई है क्योंकि बंगाली मेकअप में अच्छा लगता है. वैसे तो मैं आपको रेड मेकअप दिखा दी, बट रेड मेकअप मैं पहले कर चुकी हूँ रेड साड़ी के साथ, इसीलिए आज मैंने ग्रीन चूज़ किया है. लिप कलर मैं थोड़ा रेड में ही लूँगी. ये एफसी का है 58 नंबर और बहुत अच्छा है, मैट फॉर्म में है ये. ब्रश से मैं इसलिए लगाती हूँ, आप अपने लिप्स को कैसी भी शेप दे सकते हो. आप चाहे तो लिप कलर से भी डायरेक्ट लगा सकते हो. लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, आप लिप बाम पहले ही लगा लेंगे. ये देख सकते हो लिप कलर, आपको मैं दोबारा बता देती हूँ. ये लिप का शेड है एफसी कंपनी का है ये 58 नंबर एफसी. आप भी कर सकते हो ऐसा मेकअप दुर्गा पूजा में. सिंदूर भी रेड कलर का ही डाल लिया है, दुर्गा पूजा में अच्छा लगता है बहुत अच्छा कि सभी कुछ, हमारी साड़ी भी रेड हो या ग्रीन हो, हमारी चूड़ियाँ बैंगल्स भी इस तरह की है. मैंने आज कंगन डाले हैं, आप देख सकते हो डिफरेंट से, और साड़ी डाली हुई है मैंने. और आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, कुछ रेड किया हुआ है, बीच में ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है, और आईज भी मैंने इसी तरीके से रखी हुई है. ये थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा हैवी हो गया है तो सॉरी इसके लिए. और देख लीजिए मैंने फिंगर से हाइलाइटर किया था, कितना क्लीन और अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल लाइट शेड का है, हाइलाइटिंग भी बिल्कुल अलग से आई है कंटूर. तो हमें कोई स्टाइल नहीं बनाया है, सुबह वॉश किए थे, ऐसे ही खोल दिया है, फॉर्म भी नहीं की हुई है. बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, आप चाहे तो बीच की पार्टिंग करके कर सकते हो.